सो वेलकम दोस्तों, स्वागत है पर फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपने वीवो वाई 11 मोबाइल को रीसेट कर सकते हो, यानी कि जो हार्ड रीसेट यानी कि सिस्टम जो रीसेट होता है उसको आपको कैसे करना है। अगर आपका फ़ोन हैंग कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है तो आपको रीसेट कर देना है, और रीसेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, आपको रीसेट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम मैनेजमेंट का, तो आपको सिस्टम मैनेजमेंट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपका बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको बैकअप एंड रीसेट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए रीसेट नेटवर्क सेटिंग, उसके सबसे नीचे यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है इरेज ऑल डाटा, तो आपको इरेज ऑल डाटा पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है फॉर्मेट फ़ोन स्टोरेज, तो इस पर आपको क्लिक करके जो है आपको नीचे चले जाना है और क्लीन नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपको अपना जो पासवर्ड है उसको डालना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। और उसके बाद फिर से यहाँ पर कंफर्म करवाएगा, तो आपको क्या करना है यहाँ पर कंफर्म कर देना है। जैसे आप इसको कंफर्म कर दोगे दोस्तों तो आपका मोबाइल जो है रीसेट हो जाएगा। अब ये कुछ देर बाद टाइम लेगा रीसेट होने में, और उसके बाद जैसे ही ओपन होगा तो नए सिरे से स्टार्ट होगा, यानी कि जैसे नया स्टार्ट होता है उस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको उसको सेटअप कर लेना है। तो गाइस, इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसको रीसेट कर सकते हो।